हेलो स्टूडेंट्स, ब्लॉक टू दी बार हैरेड गूज। इसकी एक्सरसाइज हमने लेसन वन कंप्लीट था हमारा। लेसन टू यूजिंग प्रिफिक्स डिस एंड यूएन। आप सफिक्स प्रिफिक्स जानते हैं क्या होता है? ये जो प्रिफिक्स मीन्स कोई भी रूट वर्ड है उसके आगे लगकर उसका जो मीनिंग है वो चेंज कर देता है, एक नया वर्ड बनाता है ना। फॉर एग्जांपल ये डिस और अन, ये इनका यूज़ करके आपको अपोजिट वर्ड बनाने हैं। ओके, सर्कल द वर्ड्स विच मीन द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इन्होंने जो अंडरलाइन किया है इनका डिस और अन, ये दोनों नेगेटिव है ना। डिस और अन दोनों क्या है? नेगेटिव। दोनों का मीनिंग निकलता है नेगेटिव निकलता है ना। नेगेटिव मीन्स नहीं वाला निकलता है। ओके, तो अपीयर, अपीयर का मीनिंग होता है दिखाई देना, और डिस अपीयर मतलब अदृश्य हो जाना। ओके, तो ये एक तरह से नेगेटिव मीनिंग ही हुआ, अपीयर डिस अपीयर। यूजुअल का क्या पुट कर सकते हैं हम? डिस कर सकते हैं, पर हमको परफेक्ट बनाना, हर में हर किसी में डिस नहीं लगेगा और हर किसी में यूएन नहीं लगेगा, इसलिए जिसमें जो पुट होता है वही आपको लगाना है। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि यूजुअल तो डिस यूजुअल, यूजुअल का होगा अनयूजुअल। ओके, तो इस पे हमने अनयूजुअल पे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है लॉक्ड, तो लॉक्ड का क्या हो जाएगा? डिसलॉक्ड तो होगा नहीं, अनलॉक्ड, ये इसका अपोजिट हो गया है ना। सो नेक्स्ट है आपका प्लेस्ड, प्लेस्ड का डिसप्लेस्ड। ये सारे अपोजिट वर्ड्स आपको लिखना भी है। ओके, यहाँ पे ये कॉपी में नोट कर लेना, ये वाला पोर्शन, ये जो है ये कॉपी वर्क हो गया आपका है ना, ये आपका कॉपी वर्क हो गया, इसको कॉपी में नोट करना। इसमें आप यूएन और डिस ऐड करके आपको अपोजिट वर्ड बनाना है। ओके, नया वर्ड बनाना है एक। अपीयर में डिस ऐड करेंगे डिसअपीयर, लॉक यूएन ऐड करेंगे अनलॉक, एग्री डिसएग्री, हैप्पी अनहैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट रैप अनरैप, लाइक अनलाइक, हैप्पी अनहैप्पी, एग्री डिसएग्री। ओके, तो इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है। वर्ड्स टू अपीयर डिसअपीयर मीन्स गायब होना या अदृश्य होना, अनयूजुअल मीन्स असामान्य, यूजुअल मीन्स सामान्य, सब कुछ नॉर्मल है सामान्य है, और अनयूजुअल मीन्स उसका जस्ट अपोजिट असामान्य। अनलॉक मीन्स लॉक मीन्स लॉक करना, और अनलॉक मीन्स खुला। डिसप्लेस्ड मतलब उस जगह से हटा देना, डिसप्लेस कर देना उसको। ओके, सो ये आपको लर्न भी करना है। नेक्स्ट है आपका, ये वर्ड्स लर्न आप कॉपी में नोट करना। नेक्स्ट लेसन थ्री, इररेगुलर प्लूरल्स। अब यहाँ देखते हैं हम रेगुलर क्या होता है और इररेगुलर क्या होता है। रेगुलर वो होता है जिसमें नॉर्मली हम एस या ईएस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इररेगुलर वो होता है जिसमें हम उसका स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल गूस, गूस में स्पेलिंग ही चेंज हो गया, जी डबल ओ एस ई था गूस, उसका प्लूरल फॉर्म बनाया तो जी डबल ई एस ई गीज हो गया। अब ये कुछ यहाँ पे हम देखते हैं प्लूरल फॉर्म से, ये देखते हैं रेगुलर या इररेगुलर है। माउंटेन माउंटेन्स, ये रेगुलर है। गूस गीज इररेगुलर है। लैक लैक्स रेगुलर हैं। हिल हिल्स रेगुलर हैं। प्लेस प्लेस रेगुलर हैं। बिक बिक्स रेगुलर हैं। टूथ टीथ इररेगुलर है। फुट फिट इररेगुलर हैं। ओके, इस तरह आपको लर्न करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी अपोजिट वर्ड्स प्लूरल फॉर्म्स, इनको लर्न करना है आपको। ओके, शॉर्ट द वर्ड्स इन क्वेश्चन वन इन टू कॉलम्स ए एंड बी।
आपको इन कॉलम्स में लिखना है। रेगुलर वर्ब्स में कौन कौन से आएंगे वो लिखना है और इरेगुलर में कौन कौन से आएंगे वो लिखना है। ये भी आपका कॉपी में लिखना है, राइटिंग कॉपी कॉपी में लिखना है ये सारा। ये दो कॉलम बनाना, एक में इरेगुलर, एक में रेगुलर, एक में इरेगुलर। रेगुलर में कौन कौन से आएंगे आइटम्स वो इनमें से देख के आपको लिखना है और इरेगुलर में कौन कौन से आइटम्स आएंगे वो यहाँ लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हम क्या देखते हैं, यूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में जो वर्ड लिख रखा है उसका प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखना है। ओके, ये दिया है टूथ, टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? टिथ, टूथ्स नहीं होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे टिथ फिल कर दिया। गूस, गूस का फॉर्म क्या प्लूरल? गीस। फुट का फिट। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें देखना कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर है और इनके प्लूरल फॉर्म्स आपको लिखना है। देखो, मैन का मैन, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, तो ये इरेगुलर में चला जाएगा। वुमन, वुमन। ओके, चाइल्ड का चिल्ड्रन, लीफ का लीव्स, माउस का माइस, वुल्फ का वुल्स, डियर का डियर। ओके, ये सारे इरेगुलर में आएंगे। डियर, डियर भी इरेगुलर में ही आएगा। मेक सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच वर्ड्स। आप इनके इनको प्लूरल फॉर्म को यूज़ करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो मुझे कुछ सेंटेंस, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस, 3-5 वर्ड्स के ओनली, है ना, ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस मुझे सेंड करना। वर्ड्स टू लर्न कॉपी में लिखना है, इरेगुलर मीन्स अनियमित, रेगुलर मीन्स नियमित और इरेगुलर मीन्स अनियमित। फ्लॉक्स मीन्स झुंडो, है ना, प्लूरल फॉर्म है झुंड, मतलब बहुत सारे झुंड। झुंडो लिखूंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने झुंडी लिखा है, बट यहाँ पे फ्लॉक्स क्या है, प्लूरल है। वेब्ड मीन्स झिल्लीदार, आई थिंक मैंने आपको ये सेंड कर दिया था, है ना, तो ये आप कॉपी में नोट कर लेना। ओके, बाय। ओके, ये क्वेश्चन आंसर से इनके आंसर्स में लिखवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ बार हेडेड गूस, राइट इन इट टू फीचर्स। ओके, इसका आंसर है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए। वी विल रिकॉग्नाइज अ बार हेडेड गूस फर्स्ट, टू ब्लैक बार्स नंबर 2 एंड ऑरेंज डिक। ओके, नेक्स्ट बी, Why does the bar-headed goose migrate? During the winter season, they migrate from the cold central countries of Asia to warm parts of India. तो यहाँ पर विंटर होती है, इसलिए वो कहाँ पर वार्म पार्ट्स में माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट द बार हेडेड गूस। इस बार हेडेड गूस का मेन आइडिया क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर सी और डी आप छोड़ देना, ए और बी लिख लेना। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक में मत ढूंढना, मिले ना मिले। व्हाट इज द वे ऑफ बार हेडेड गूस, बार हेडेड गूस का वेट कितना होता है? तो आंसर है, द बार हेडेड गूस वे अप टू 3.2 kg विच इज़ एज हैवी एज अ ह्यूमन बेबी। ओके, ये तीन क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, ये आप कॉपी में नोट कर लेना।